केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान से क्रोधित मुस्लिम समुदाय के लोग उतरे सड़क पर, किया विरोध प्रदर्शन। गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से अविलंब हटाने की कर रहे हैं मांग। उनका आरोप है कि गिरिराज सिंह द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, इसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर चर्चे में हैं। मोहम्मद साहब और उनकी बेटी को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा नाराजगी देखी जा रही है, और इसी को लेकर झारखंड के रांची में सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय के लोग गिरिराज सिंह के विरुद्ध में नारेबाजी करते हुए तत्काल उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोग अपने हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर नारेबाजियां करते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मोहम्मद साहब व उनकी पुत्री के विरुद्ध विवादित बयान देकर उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद सर्वोच्च स्थान रखते हैं। किसी भी स्थिति में हम इस्लाम के प्रतिष्ठित महानुभावों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उक्त बातें मस्जिद जाफरिया के इमाम व खातिब हजरत मौलाना सैयद तहजीब उल हसन रिजवी ने कही। मौलाना ने कहा कि गिरिराज सिंह के बयान से न सिर्फ मुस्लिम समाज का दिल दुखा है, बल्कि सभी समाज के लोग के दिलों में ठेस पहुंची है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सदियों से गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम ईद दिवाली दशहरा एक साथ मिलकर मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस घृणित बयान के लिए गिरिराज सिंह को दंडित किया जाए और उन्हें अविलंब मंत्रिमंडल से हटाया जाए। मौलाना ने कहा कि गिरिराज सिंह इससे पूर्व भी इस तरह का बयान देते रहे हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता रहा है, जिसकी भारतवासी विशेषकर अंजुमन ए जाफरिया के सदस्यगण एवं रांची के मुसलमान गिरिराज सिंह के इस बयान की भरपूर निंदा करते हुए उन्हें अविलंब हटाने की मांग करते हैं। गिरिराज जो सेंट्रल मिनिस्टर है, उसने रसूल इस्लाम की चहेती और प्यारी बेटी बीबी फातिमा के खिलाफ जो मजम्मत आमेज बयान दिया है, हम जुबान पे नहीं ला सकते। हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, और हम अपनी भारत सरकार से अविलंब गुजारिश अपील करते हैं कि इसे मंत्रिमंडल से बिल्कुल फौरी बर्खास्त किया जाए। आज हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है, हिंदुस्तानियों का दिल मजरूह हुआ है। आज हम ये भारत गंगा जमुनी तहजीब का नाम है, और आज झारखंड के मुसलमान बिलखसूस शिया मुसलमान पूरे मुल्क में आज एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि नबी की बेटी की अजमत तारीख इस्लाम में बहुत अहमियत है। तमाम निस्वानियत में औरतों में अगर सबसे बड़ा किसी का मेयार रहा वक़ार है तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रहा है, और उसने इस बात का संदेश दे दिया है कि वो पागल हो गया है और उसकी बर्बादी इंशाअल्लाह अनकरीब है, और गिरिराज यकीनन उसका मुंह काला हो जाएगा, देश देखता रहेगा, और इस्लाम पर हमला करने वाला कभी न फूला है न फला है, वो इंशाअल्लाह बर्बाद होकर रहेगा। मैं अपने राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से अविलंब गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी भावनाओं का ख्याल करते हुए उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उसके कानूनी कार्रवाई की जाए जो नियम और आधार के तहत होती है। किसी का भारत में दिल दुखाना सही नहीं है, लिहाजा इस तरीके से गिरिराज को फौरी गिरफ्तारी। दी वेब वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है